ये इंडिया में द्वितीय जलियाना वाला बाग इसे कहते हैं। शहीद हुए थे, जो जहाँ 28 लोग शहीद हुए थे, 28 हमारे शहीद हुए थे, जो बोलते हैं इसको हम बोलते हैं द्वितीय जलियांवाला बाग मशक्कत, जो हुआ था जलियांवाला बाग में हत्याकांड जो हुआ था, चारों तरफ से घिरे हुए थे, फिर उनके ऊपर फायरिंग हुई थी। वैसे भी यहाँ हुआ था लेकिन वो 100 मीटर दूर हुआ था, वहाँ पर चारों तरफ से बंधे हुए थे, चारों तरफ बंद था, एक तरफ से एक जो होती है पोंट वो था। तो वहाँ पर 28 लोग जो सत्याग्रही थे वो आज़ादी के लिए सत्याग्रह कर रहे थे। तो वहाँ पर जब सत्याग्रह हो रहा था तो चारों तरफ से बंद था, एक तरफ से एक जो पोंट था। तो तब क्या हुआ था, वहाँ पर आए जो वासुदेवपुर के जो थे, तब के जो पुलिस स्टेशन में थे वो आए और डायरेक्ट शूटिंग ऑर्डर दे दिया। तो तब वहाँ पर 28 आदमी शहीद हो गए थे, उनमें से एक जो थे हमारे फीमेल थी, उनका नाम था परी बेवा के साथ 28 लोग यहाँ शहीद हुए थे। और उनका जो ग्रेव है, उनकी जो समाधि है, तो वो यहाँ पर बनाई दी गई है। और बाकी ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, धीरे धीरे इसे डेवलप किया जा रहा है। और भी दो, अगर आप देखोगे 6 महीने या 7 महीने बाद, ऐसा नहीं था, अभी इसे मतलब पूरा अच्छी तरह से बनाया जा रहा है। फिर भी ये अभी भी मतलब इतने कंजेस्टेड एरिया में किया गया है कि जो शहीद हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, तो उनके लिए इतना सब करना ये बहुत ही छोटी सी बात है। और भी बहुत कुछ हो सकता है अगर गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव ले, तो और भी बहुत कुछ हो सकता है। इतने छोटे से एरिया में 28 लोग जो शहीद हुए थे, जो देश के लिए शहीद हुए थे, इतने सब कुछ करके शहीद हुए थे, तो उनके लिए ये सब कुछ भी नहीं है। बाकी सरकार से दरख्वास्त है इस एरिया को और भी अच्छी तरह से डेवलप कराए, जैसे कि इंडिया में द्वितीय जलियांवाला बाग इसे कहते हैं, जो 28 शहीद हुए थे सेम सिचुएशन में। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये जो भी किया गया है, ये भी अभी भी उनके लिए बहुत ही कम है। 28 जो थे देश के लिए शहीद हुए हैं, हमारे मातृभूमि के लिए, हमारे स्वाभिमान के लिए, हमको स्वाधीन करने के लिए जो शहीद हुए हैं, तो उनके लिए बहुत सत सत नमन। और यहाँ रोज ही पूजा होती है, और उनके लिए मैं एक सैल्यूट भी देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।